हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8800420011। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक केस स्टडी के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे पास एक मैकबुक प्रो A1425 मॉडल है, जिसमें बैकलाइट का इशू है। मदरबोर्ड पूरा ऑन है, DSO पे डिस्प्ले भी शो कर रहा है, लेकिन लाइट नहीं आ रही है, बैक लाइट नहीं जल रही है। और चूंकि ये रेटिना मॉडल है तो इजीली इसमें बैक लाइट डिम डिस्प्ले दिखता नहीं है। ठीक है, पहले हम लोग भी कंफ्यूज हो गए कि बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में जब DSO से वेरीफाई किया तो डिस्प्ले आ रहा है, कीबोर्ड पे भी डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन लाइट नहीं आ रही है। तो इसके बैक पे काफ़ी हाई ल्यूमिनेंस वाली जब लाइट हमने कनेक्ट किए है, देखिए मेरा सेटअप का जो लाइट है काफ़ी तेज लाइट है। ठीक, इससे जब हमने लाइट करके पीछे देखा तो ध्यान से देखने पे पता चला कि बैक लाइट से रिलेटेड इशू है। देखते हैं एक बार, मैं फिर ऑन करता हूँ बोर्ड को। पहले बोर्ड में लाइट है, बोर्ड ऑन भी हो रहा है, देख पा रहे होंगे। नॉर्मल फ्रंट साइड से अगर आप लाइट जला के देखते हैं तो इस मॉडल में नहीं, क्योंकि रेटिना डिस्प्ले होने की वजह से नहीं क्लियर हो पाता है। बहुत सही ढंग से लाइट इस पे पड़ने के बाद ही क्लियर हो पाता है कि इसमें बैक लाइट की प्रॉब्लम है। अभी ये नहीं आया कुछ, बहुत ध्यान से देखने पे, और वो भी बहुत पावरफुल लाइट पीछे से जल रहा है, तब एक फोल्डर का क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल लाइट से, अगर फ्लैश लाइट से हम लोग देख रहे थे तो ये दिख नहीं रहा था, बट कीबोर्ड में भी डिस्प्ले आ रहा था। अभी आप इस कंडीशन में देखेंगे तो इसके कीबोर्ड पे डिस्प्ले आएगा। ठीक है, कीबोर्ड पे देख पाएंगे तो डिस्प्ले देख, कैप्स लॉक ऑन ऑफ हो रहा है। सो रेटिना वाले मॉडल को अगर आपको डिम डिस्प्ले की प्रॉब्लम है तो बैक साइड से थोड़ा पावरफुल लाइट जलाकर देखने पे ही पता चल पाता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए इसकी बैक लाइट रिपेयर करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। बैक लाइट से रिलेटेड सर्किट के बारे में हमने पहले भी बताया है कि जनरली बैक लाइट सर्किट में क्या चीज़ें प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा तो फ्यूज़ चेक करना पसंद करते हैं हम लोग। फ्यूज़ हो गया, बैक लाइट आईसी हो गई, ठीक है, आपका मॉसफेट हो गया जो एडाप्टर की पावर को ड्राइव करा रहा होता है। ठीक है, ये हमारा बैकलाइट सर्किट है, आप देख पा रहे हैं। जनरल प्रॉब्लम्स क्या क्या मिलती है इसमें, तो इसमें क्या मिलता है देखते हैं। ये फ्यूज़ 9700 ये ब्लो करता है, या इस मॉसफेट पे इनपुट हो रही होती है, बैकलाइट इनेबल का सिग्नल यहाँ नहीं मिल पा रहा होता है, जिसकी वजह से ये गेट सप्लाई नहीं बनती है। अगर यहाँ पे 12.5 वोल्ट है और 12.5 वोल्ट 3 नंबर पे भी अगर रिसीव हो रहा होता है, इसका मतलब ये बैकलाइट इनेबल का सिग्नल नहीं आ रहा होता पीछे से। अगर बैकलाइट का इनेबल नहीं आ रहा होता है तो ये गेट ऑन नहीं हो पाता है, जिससे ये सप्लाई आगे नहीं पहुँच पाता। तो पहले इनको देखना है कि बैकलाइट से रिलेटेड ये फ्यूज देखना होता है। इसके बाद आपकी ये है आईसी, बैकलाइट की आईसी, इसमें LP8545 है, और कुछ नए मदरबोर्ड में LP8548 भी आती है, और 85 आपका एयर में आपको दिखाया बॉल वाली, ये पिन वाली आईसी है, तो इसको रिप्लेस करना काफ़ी इजी है। इसके साथ क्या प्रॉब्लम आती है, ये मॉसफेट ख़राब होते हैं, आपका ये डायोड ख़राब होता है जनरली। ठीक है, अभी आपको देखना क्या होता है कि यहाँ से इसमें आपको ये देखना होगा कि इसमें 12.5 वोल्ट है, डायोड D97 9701। ठीक है, इस डायोड के आउटपुट साइड कैथोड साइड पे जब बैकलाइट इनेबल होगा सर्किट, तो 12×24×36 लगभग 40 वोल्ट के करीब यहाँ पे वोल्टेज बनता है, 3×4× सप्लाई। ठीक है, एयर में 2×12×24 वोल्ट तक लगभग बनती है। ठीक, तो ये देखना है कि ये बूस्ट हो पा रहा है कि नहीं हो रहा होता है। जनरली कॉमन प्रॉब्लम यही होती है, कोई या तो फ्यूज खराब होता है, या मॉसफेट खराब होता है, या लाइट आईसी खुद खराब होती है, ये मॉसफेट या डायोड खराब होता है। कई बार बैकलाइट से रिलेटेड LVDS कनेक्टर खराब हो रहा होता है, या आपका पैनल खराब होता है। तो ये पैनल हमारा ओके है, ये हमने क्रॉस चेक कर रखा है, हमारा टेस्टिंग पैनल है। ठीक है,
जिनका ये मदरबोर्ड है जनरली उनका पैनल तो ख़राब है, उनके पैनल पे डैमेज है, तो पैनल तो उनका ऐसे ही ख़राब है। ये हमारा टेस्टेड पैनल है, तो पहले तो ये वेरीफाई हो गया कि हमारा पैनल ओके है। दूसरा, LVDS कनेक्टर आपको चेक करना होता है कि LVDS कनेक्टर पे कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, कई बार आप YouTube पे वीडियोस देखेंगे तो LVDS कनेक्टर को ही डैमेज दिखाया गया होगा डिम डिस्प्ले में, 14-25 के अगर कई बार वीडियोस भी अगर देखते हैं, हम लोग भी देखते रहते हैं जनरली YouTube वीडियोस, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी पिन डैमेज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 5 वोल्ट आती है ये कॉइल के थ्रू, ये चेक करना होता है। और यहाँ पे 12-12.5 वोल्ट पहले आएगा, जब बैक लाइट बूस्ट करेगी तो यहाँ 40-45 वोल्टेज बनने चाहिए, ठीक है। सो अगर अभी हम चेक भी कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे 45 वोल्ट की पावर नहीं बन रही होगी। पहले यही चेक कर लेते हैं, हम एक बार दोबारा से मैं पैनल में कनेक्ट कर लेता हूँ और देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम, क्या यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। कई बार बिल्कुल टोटल वोल्टेज मिसिंग होती है, टोटल वोल्टेज मिसिंग हो रही होती है तो या तो फ्यूज ख़राब होता है या तो मॉस्फेट ख़राब होता है। और अगर 45 वोल्ट नहीं हो, तो 12-12.5 वोल्ट जो अडॉप्टर की पावर आ रही है लेकिन 45 वोल्ट बूस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तब देखना होगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा सा पैनल को एडजस्ट करके रख लेते हैं। इसको लगा लेते हैं, ये बोर्ड ऑन हो गया। पहले चेक करते हैं कॉइल पे वोल्टेज, 5 वोल्ट आती है जनरली, आ रही है 5 वोल्ट, ठीक है। और फिर कैपेसिटर्स पे वोल्टेज देखते हैं कितने हैं, 2 कैपेसिटर्स 12.5 वोल्ट आ रहा है। इसको हमने रखा हुआ है, अभी भी ये वोल्टेज जब बूस्ट होगा ना तो ये वोल्टेज बढ़ जानी चाहिए, 12.5 वोल्ट पे तो लाइट नहीं ऑन होगी, ठीक है। इसका मतलब बूस्ट सर्किट जो है उसमें प्रॉब्लम है, या तो देखिए हो क्या रहा है, यानी कि ये फ्यूज खराब नहीं है और ये मॉस्फेट भी खराब नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पावर आ ही रही है। ये पावर यहाँ पे कनेक्टेड है, देखिए यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, तो ये पावर यहाँ तक आ रही है, इस डायोड से होकर भी यहाँ पावर आ रही है। तो अब प्रॉब्लम आ रही है बूस्ट सर्किट का, तो बूस्ट सर्किट यहाँ पे काम कर रहा है, ये मॉस्फेट हो गया, ये फीडबैक लाइन्स का प्रॉब्लम कभी मिल सकती है, या ये डायोड्स वगैरह, जनरली ये फ्यूज और ये सारी चीज़ें ओके होंगी, तो इनको 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहले तो बैक लाइट का फ्यूज क्या है, F9700 आई थिंक, सर मैं निकलूंगा ना, मैं आपको फोन कर दूंगा। F9700 ये दिख रहा है एकदम इस कनेक्टर के बगल में, कीबोर्ड कनेक्टर है जो भी है, इसके बगल में ये रहा, एक सुबह में ही हमने 14-25 था जिसमें बैकलाइट के इश्यू था और केवल ये फ्यूज खराब था, ठीक है, उसको भी सही किया गया। यहाँ पे फ्यूज प्रॉपर है, बीप कर रहा है तो फ्यूज ठीक है। इसके बाद हमें ये है मॉस्फेट, यहाँ पर ये
मॉस्फेट है आपका, ऐसे पकड़ लेंगे ताकि आपको ओरिएंटेशन इसके अकॉर्डिंग दिखे। अब ये हो गया, ये इसका मॉस्फेट Q9706। तो इसका ड्रेन टू सोर्स चेक करना होगा हमें, चार नंबर पिन और 1, 2, 5, 6, 4, 5, 6 यहाँ से यहाँ के बीच में चेक कर लें। डायोड रेंज, डायोड रेंज में हमें चेक करना होगा, ये आपस में बीप नहीं करना चाहिए, ठीक है। वन साइडेड वैल्यू बताना चाहिए 3600, और अगर इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो नीचे ले लें। अगर हम देखिए वन साइडेड वैल्यू शो करना चाहिए, इधर से वैल्यू दिखा रहा है, अदर साइड से वैल्यू शो नहीं करना चाहिए। ओवर इसका मतलब ये मॉस्फेट भी हमारा क्या है, ठीक है। और इसका जो है पिन नंबर 3 गेट है, तीन को चेक कर लेते हैं, बीप नहीं करना चाहिए, तीन बीप नहीं करना, इसका मतलब ये मॉस्फेट ठीक है, ठीक है। ये मॉस्फेट भी ओके है, हमें चेक करना है इसके बाद ये आईसी, ठीक है। ये आईसी, आईसी से पहले हम ये चेक कर लें, मॉस्फेट 9700 और क्या है D9701। ये मॉस्फेट बैक साइड पे होगा, मॉस्फेट क्या है ये D9701 Q9701। 5 नंबर पिन को चेक करना होगा हमें 1, 2, 3 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे ये है 1, 2, 3 और ये 5, तो पिन नंबर 1, 2, 3 यहाँ से हो गया, इधर से ओवर लिमिट है और इधर से ओवर लिमिट, इधर से बता रहे ऐसे वैल्यू एन चैनल मॉस्फेट है। देख रहे हैं स्कीमेटिक में भी ड्रेन पे निगेटिव है, सोर्स पे रेड प्रॉब है और वन साइडेड वैल्यू बता रहा है, तो ड्रेन पे जो प्रॉब है वही इसका हो गया, एन चैनल मॉस्फेट है और ये ओके, ठीक है। और अब हमें चेक करना है डायोड डी 9701, डायोड वन साइडेड शो करना चाहिए और बीप नहीं करना चाहिए, बीप कर रहा है, देखिए डायोड क्या कर रहा है, बीप कर रहा है, बीप कर रहा है और दोनों साइड से सेम वैल्यू बता रहा है, इसका मतलब ये डायोड क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। पहले तो ये डायोड ही चेंज करें, होपफुली ये डायोड चेंज करते ही प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो जाएगा। बैकलाइट सर्किट की पहचान है, इसमें ढेर सारे कैपेसिटर एक साथ लगे होते हैं, ठीक है, हैवी के होते हैं। तो यहाँ पे इसकी आईसी है, लेकिन इस साइड भी ढेर सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, इसमें 45 में भी 45 से 50 वोल्ट बन रहा होगा, 55 में होगी, इसीलिए इतने सारे लगे होते हैं। तो ये दिख रहा है डायोड, ये लाइट आईसी, इसमें कौन सी आईसी है, 48 आईसी है, LP8548 कहलाएगी इसमें, यहाँ 4 टेप दिख रहे हैं ना, ये हम यूज़ कर लेंगे।
पहले चेक कर लेते हैं इसको भी। देखिए ये नहीं वैल्यू बीप पे रहा है और ऐसे वैल्यू बता रहा है। ठीक है, पहले एक बार मैं चेक कर लूंगा, उसके बाद अगर नहीं हुआ तब जाके लाइट आईसी पे काम करें। जनरली एक साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती नहीं है। बोर्ड को अननेसेसरी टेम्पर्ड में किया जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम एक साथ नहीं आती। ठीक है ना, अभी वो डीम डिस्प्ले है। ठीक है, अभी भी डीम डिस्प्ले है भाई, ऐसा क्यों?
एलसीडी भी है। क्या इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है? 59K 63.5। बैकलाइट PWM पिन नंबर 2 ये तो आ रहा है। सेल कितने पे हैं? 10-11 LTA पे भी आ रहा है, SCL पे भी बोलते जा रहा है। पिन नंबर 4 इनेबल, 4 नंबर इनेबल है। नॉट कनेक्टेड और 22-23 क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आई थिंक डायोड हमें सेम बोर्ड का निकाल के लगा के देखना होगा। एक बार देख लेते हैं, क्या पता डायोड जैसे काम तो करना चाहिए था। क्या बाबू सेम बोर्ड है ना अपने पास? सेम बोर्ड ही है, स्क्रैप बोर्ड के डायोड का इस्तेमाल किया लेकिन चला नहीं। सेम बोर्ड से डायोड लगा के देखते हैं, क्या पता ऐसा भी हो। लोअर हमारे पास सेम बोर्ड भी है रिपेयरिंग के लिए। ये बड़े वाले कैपेसिटर भी खराब होते हैं, ठीक है? आगे जाओ।
में जब डायोड शॉर्ट हुआ होगा तो हो सकता है कुछ और भी आउटपुट भी शॉर्ट हुआ, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, आउटपुट पे कुछ लगा होगा, चीज ऐसी होगी शॉर्ट हो सकती है। आगे भी चेक करना पड़ेगा। पैसिव का तो सही लग रहा है, फीडबैक लाइन पे लगे हुए रजिस्टर एक बार चेक करते हैं ना। 3.4
ये भी सही है 15 है। एक और हमने मंगाई थी ऐसी दूसरा वाला बोर्ड को रिपेयर करने के लिए, ऐसा रियली होता है कि कोई कंपोनेंट खराब हो तो बदलने के बाद भी ना हो, एक आधा ही कंपोनेंट अब ज्यादातर खराब होता है, कभी हमेशा मोस्टली सिंगल कंपोनेंट खराब होता है, रियली होता है कि दो कंपोनेंट खराब हो। अब ऐसे कंडीशन में सारे कैपेसिटर्स को चेक करना पड़ेगा आउटपुट पे लगे हुए कितने वैल्यू के हैं, क्या वैल्यू सही कर दे रहे हैं कि नहीं। बदल ही लेते हैं है ना, जैसे टाइम बच जाएगा, हमारे पास बोर्ड पड़ा हुआ, क्या बोलते हैं
हाँ चलेगा। लिक्विड प्लग कहते हैं
एक साथ ही रिप्लेस कर दिए हमने कैपेसिटर्स, ये मॉस्फेट, होपफुली जितने भी हमने इससे पहले रिपेयरिंग के दौरान खराब कंपोनेंट पाए हैं कि ये खराब होते हैं, क्योंकि डोनर बोर्ड था तो सारा एक साथ ही बदल दिया। देखते हैं जा रहा था 700-800। ये वंस अगेन वी आर चैंपियंस। सो गाइस, बैकलाइट का इशू रिजॉल्व कर लिया हमने। ये 14 क्या था मॉडल, ये 14-25। अब ये थोड़ा सा डाउटफुल हो गया, सस्पेक्टेड हो गया कि मतलब कौन से था, लेकिन हाँ जो इसके आउटपुट में लगे कैपेसिटर से जनरली प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो हमने कैपेसिटर्स चेंज किया है और इसके साथ के मॉस्फेट चेंज कर दिए एक साथ हमारे पास, क्योंकि डोनर बोर्ड था। अब एक एक करके हम मैनुअली चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैपेसिटर्स और स्कीमेटिक से अगर आप चेक करेंगे, मैच करेंगे, 2.2 माइक्रोफैरेड के लगे हुए हैं बड़े वाले और छोटा जो है 1000 पीएफ का है, तो एक एक करके वैल्यू आप चेक करेंगे तो मे बी आपको पता चल जाएगा कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है। क्योंकि हमारे पास डोनर बोर्ड था तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए हमने फटाफट जो भी सस्पेक्टेड कंपोनेंट थे उनको बदल डाले और ये बोर्ड डिम डिस्प्ले की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। एंड थैंक्स फॉर डोनर बोर्ड। वंस अगेन दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लैपटॉप रिपेयरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग का काम है या लैपटॉप रिपेयरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरीके के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चाहते हैं नोटिफिकेशन, तो बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, और वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बनाई जय हिंद।